और आदिलाबाद से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्णी श्रीनिवास रेड्डी को हमारा अभ्यर्थी घोषणा किया गया। ये निर्णय केवल तेलंगाना कांग्रेस की नहीं, ये निर्णय एआईसीसी के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और पूरे इलेक्शन कमेटी के मेंबर आज आदिलाबाद में एक युवा को जो आगे के दिन में आदिलाबाद का सेवा कर सके और कांग्रेस पार्टी का नाम और निशाना और ऊंचा करे, इसके लिए आज कर्णी श्रीनिवास रेड्डी को हमने उनको अभ्यर्थी बनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरा आदिलाबाद में, आदिलाबाद जिले में टिकट के घोषणा के बाद मेरी पहला सभा है और बहुत खुशी है कि जो जोश मैं आप लोगों के पास देख रहा हूँ, ये जोश कहता है कि आने वाले दिन में कर्णी श्रीनिवास रेड्डी बहुत बड़े लीड से जीतेंगे। लेकिन लेकिन आज हम लोग यहाँ आए हैं, आपका जो जबरदस्त आपने उत्साह जो बना बताया है, हम सिर्फ यहाँ देखने के लिए नहीं आए हैं, हम आज यहाँ आए तो मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ बूथ लेवल एजेंट की ट्रेनिंग के लिए आए थे और हमारे साथ आज अनुषा आई है एआईसीसी की तरफ से, जो आपको बूथ लेवल एजेंट की ट्रेनिंग कैसा करेगा, ये तो आपको ट्रेनिंग देने के लिए आपका एक घंटा टाइम हम आपसे चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने आप यहाँ पे ब्लॉक लेवल एजेंट हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो आज आपने ट्रेनिंग होगा, इस ट्रेनिंग के मुताबिक आप हर बूथ में, हर घर में चुनाव कैसा करना चाहिए, प्रचार कैसा करना चाहिए, वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कैसा करना चाहिए, सोशल मीडिया का कैसा उपयोग करना चाहिए, ये ट्रेनिंग देने के लिए आज एआईसीसी की तरफ से अनुषा आई है। कहाँ पे है अनुषा जी, तो अभी आएगी आपको ट्रेनिंग देने के लिए। और हमको ये करना है कि आपने अभी तो कर्णी श्रीनिवास रेड्डी जी ने बहुत जबरदस्त भाषण दिया है और जो गारंटी, जो डिक्लेरेशन तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से हम लोगों ने दिया है, उसका पूरा पूरा हमने इसको लागू करेंगे, ये भरोसा देने के लिए आज हम लोग आपको ट्रेनिंग देने वाले हैं। क्योंकि हर घर को पहुंचाना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या गारंटी दिया है, ये महिलाओं के लिए गारंटी दिया है, किसानों के लिए गारंटी दिया है, आपको ग्रह ज्योति का गारंटी है, ऐसा 6 गारंटी उन्होंने जो हमने दिया है उसको हम लागू करेंगे। मैं चाहता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, मैं कर्नाटक से हूँ, हमने 5 गारंटी दिया था और 5 गारंटी में हमने 4 गारंटी इस 6 महीने में हमने लागू किया है। और आज हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनेगी और जिस दिन तेलंगाना की सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट मीटिंग में ये पूरा गारंटी ये लागू होगा, ये कानून बनेगा और ये जो सुविधाएं आपको देना चाहते हैं ये हम देंगे, ये वादा करने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं। तेलंगाना आपको याद रहना चाहिए कि तेलंगाना का गिफ्ट कांग्रेस पार्टी ने दिया है, श्रीमती सोनिया गांधी ने दिया है और आपने दो बार बीआरएस की सरकार चुन के लाया है, लेकिन दो बार 10 साल में बीआरएस की सरकार तेलंगाना के
जो मतदार है, जो लोग हैं, उनको धोखा दिया है, उनके लिए सिर्फ भ्रष्टाचार करके इस लोगों को धोखा दिया है, उसको सही करने के लिए आज आप सब कांग्रेस पार्टी को आप आशीर्वाद करना। और यहाँ पे जितने लीडर्स हैं, आप जितने लीडर्स यहाँ पे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि जो बूथ लेवल एजेंट है, उन्होंने जो हम ट्रेनिंग देंगे आपको, आज से आप अपने बूथ में काम करना है, आप अपने हर घर जाके आप अपना गारंटी के बारे में बोलना है, कंडी श्रीनिवास रेड्डी के बारे में बोलना है। और मैं आज आप सब लोगों के सामने, मैंने कहा था, मैं ये 3-4 बार यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे 7 आकांक्षी थे, 7 एस्पिरेंट्स थे, उनमें एआईसीसी की तरफ से हमारा लीडर्स ने कन्नी श्रीनिवास रेड्डी को उन्होंने अभ्यर्थी बनाया है। मैं आज तुम्हारे सामने मैं गुजारिश करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, जो 6 कैंडिडेट है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि हम सब कांग्रेस के परिवार के हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे लीडर मिलने लिए हैं। और मैं चाहता हूँ कि 6 जितने एस्पिरेंट थे, जो आकांक्षी थे 6, वो पूरे आके कन्नी श्रीनिवास रेड्डी को जिताने के लिए काम करना चाहिए। ये मैं आपके सामने आज उन लोगों को विनती करना चाहता हूँ। आज हम लोगों को खफा होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनेगी, हर हर सर्वे में कह रहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और इस बार बीजेपी को 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा, और टीआरएस को 25 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। कांग्रेस की सरकार आ रही है, और कांग्रेस ने गारंटी जो दिया है उसको पालना करने का वादा किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब को इसमें भागी रहना चाहिए, और आप सब मिलके कांग्रेस की हाथ के निशाने को आप वोट डाल के 30 तारीख को कन्नी श्रीनिवास रेड्डी जी को बहुत बड़े लीड से जिता के लाना है। ये हमारे गुजारिश है, और मैं चाहता हूँ आगे के दिन में हम बड़ा ऐसा मीटिंग या सभा नहीं करेंगे, हम हर बूथ में, हम हर बूथ में जाके काम करने का आज हमने निर्णय लेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे सब कौम के लोग, सब कौम के लोग, हम सब चैन और अमन से जीना चाहते हैं, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इस देश को मजबूत बना सकता है, इस देश को एक रख सकता है, और इस देश को आगे ले सकता है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना में जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और 224 में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी जी हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना के लोग, जो सोनिया गांधी ने आपको गिफ्ट दिया है इस तेलंगाना राज्य बनाने के लिए, इस गिफ्ट के लिए December 9 को श्रीमती सोनिया गांधी का बर्थडे जन्मदिन है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार December 9 को यहाँ पे तेलंगाना के मतदान सोनिया गांधी जी को गिफ्ट देंगे कि तेलंगाना राज्य उन्होंने बनाया है। और इसके लिए हम सब मिलके 9 तारीख को सरकार बनाने के बाद हमारा गारंटी का भरोसा पूरा करने के लिए पहले कैबिनेट में December 9 को हम करेंगे। तो मैं इतना कह के मैं आपको गुजारिश करता हूँ कि आप 1 घंटा यहाँ पे जो ट्रेनिंग चलेगी, उस ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ रहना चाहिए, और हम भी यहाँ बैठेंगे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बनेगा, ये आपकी कितनी कुछ है, ये रिजल्ट 280 पर 1 बूथ है। मैं चाहता हूँ ठीक है, हेलो,
देखो यहाँ पे मेरे पास कर्णी श्रीनिवास जी रेड्डी जी ने 280 पर एक बूथ का बूथ लेवल एजेंट का लिस्ट यहाँ पे है। मैं एक दो नाम पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जिसका नाम पढ़ू वो अपना हाथ उठाया वहाँ पे करके बताए। ये मैं बात चाहता हूँ कि कोरबा गांव से अमूल अगर इधर है तो उनका हाथ उठा के यहाँ पे मुझे पता नहीं। ये है अमूल, ये है तुम्हारा बूथ लेवल एजेंट है, कोरबा गांव का ये बूथ लेवल एजेंट है। ये निखिल जो जिम्मा गांव का है, निखिल है यहाँ पे, निखिलेश इधर है, निखिलेश आजा। क्लैप्स गुड। ये हमारा बूथ एजेंट है जिम्मा विलेज पे, जिम्मा गांव में निखिल है यहाँ पे। निखिल वेरी एक्टिव सर, 2000 वोट बूथ। अच्छा फिर तो गणेश श्रीनिवास जी ने बोल रहे हैं कि 2000 वोट है यहाँ पे। हाँ सर, 2000 वोट में आप कांग्रेस पार्टी को 1500 वोट। ये आपसे निवेदन है। और यहाँ पे शिवरानी है, और ये बूथ एजेंट भी है। और यहाँ पे बेला से रहीम खान कलम हरीश रेड्डी सिरसेना से रहीम खान। हरीश रेड्डी है यहाँ पे। तो ऐसे 280 पर एक बूथ लेवल एजेंट्स यहाँ पे आए हैं, इनका ट्रेनिंग होगा और इनका काम रहेगा सिर्फ बूथ में काम करने का। हर बूथ में 1000 से करीब वोट रहेंगे। अगर बूथ लेवल एजेंट के जो है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आप बूथ लेवल कमिटी बना, एक बूथ में 10 आदमी का कमिटी बना जिसमें युवा हो, जिसमें महिला हो, जिसमें बुजुर्ग हो। और अगर 10 आदमी बूथ लेवल कमिटी बनाएंगे तो आपको एक दिन में अगर आप 30 या 40 घर जाएंगे तो घर घर जाने का प्रोग्राम आप एक दिन में एक बूथ के 300 घर जाने का। 1000 वोट है तो 300 घर रहेंगे, 300 के करीब घर जाने के लिए एक आदमी 30 घर जाएगा तो 10 आदमी मिलके 300 घर जा सकते हैं। और घर घर जाने का प्रोग्राम आप बना सकते हैं। और हमको चुनाव जीतने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं मानता हूँ चुनाव के दिन यही हमारे कैंडिडेट रहेंगे, क्योंकि वो श्रीनिवास रेड्डी जी यहाँ पे वोट करेंगे अपने बूथ में। ये बूथ लेवल एजेंट और बूथ लेवल कमिटी भी यहाँ पे काम करेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जितने महिला यहाँ पे आई है, आपके लिए बहुत अच्छे कार्यक्रम गारंटी जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आपके जिम्मेदारी है। आप 50% आपके वोट है, आप सब मिलके कांग्रेस पार्टी हाथ के निशान गणेश श्रीनिवास रेड्डी को बड़े पैमाने से जिताना, यही हमारा निवेदन है। और मैं बहुत कुछ और बात करना चाहता हूँ लेकिन समय भी कम है। आप बहुत देर से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे भी हमारे अनुषा यहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए शुरू करेगी। किधर है आ जाओ, उधर है, जो उधर आप स्क्रीन देख सकते हैं वहां पे अनुषा वहां से ट्रेनिंग करेगी। कम ही है अनुषा,